हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है, ये तो कटिंग है, और ये इसका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले आप देखिए, ये जो प्लांट है, हम बेसिकली इस प्लांट से इसे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जेड है, और ये जो प्लांट है, इसे पोर्टुलाकारिया आफ्रा के नाम से जाना जाता है, या एलिफेंट बुश भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है मेरे पास में, ये रेनबो एलिफेंट बुश है, या रेनबो पोर्टुलाकारिया आफ्रा, और लोग इसे वेरिएटेड जेड प्लांट के नाम से बोलते हैं। पर इसका जो रियल नेम है वो एलिफेंट बुश है, और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये रेनबो एलिफेंट बुश है। अब मैं इसका ओरिजिनल प्लांट आपको दिखाती हूँ। ये तो कटिंग है, ये है उसका ओरिजिनल प्लांट। और इसे एलिफेंट बुश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में होता है, पहली बात। और दूसरा जो है, ये एलिफेंट इसे खाते हैं। और ये जो प्लांट है, ये आजकल हाउस प्लांट के तौर पर लोग इसे ग्रो करते हैं। ये मैं इसे थर्ड टाइम लेकर आई हूँ। दो बार जब मैं लेकर आई तो मुझे नर्सरी वाले ने बताया जेड प्लांट है, तो मैं इससे कंफ्यूज हो गई क्योंकि जेड प्लांट की क्वालिटी ये रहती है कि इसे आप कितने भी तेज़ धूप में रख दें तो ये मरता नहीं है, ये हार्डी प्लांट होता है। लेकिन इसे जब मैंने धूप में रखा तो ये जल भी गया, धीरे धीरे करके इसकी पत्तियाँ गिर गई और ये मर गया। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब दोनों एक ही वैरायटी के प्लांट्स हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो फिर इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब मैंने नेट पे इसके बारे में सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि ये जेड प्लांट नहीं है, और जेड प्लांट से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इसकी जो हैबिटेट है, ये टोटली डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल हैबिटेट में, जो वाइल्ड हैबिटेट होता है, वहाँ पर ये 6 मीटर तक बढ़ता है, लेकिन हम जब इसे एज ए हाउस प्लांट ग्रो करते हैं तो ये कुछ फिट, 1 या 2 फिट तक ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और आप इसकी कटिंग्स ले सकते हैं, और जैसे ही इसका टाइम आता है, उस दौरान जो है, जैसे इसका टाइम पीरियड जो है, बारिश की जो माइल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेचर्स, उसमें ये ग्रो होता है। ये शेड लविंग प्लांट है, इनडायरेक्ट ब्लाइट ब्राइट लाइट में होने वाला प्लांट है। आप इसे अपने घर के अंदर रख सकते हैं, अंदर ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसकी पानी की बिल्कुल मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती है। जितना ज़्यादा आप इसमें पानी डालेंगे, इसकी रूट्स गल जाएंगी, और जितना तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे जल के झड़ के गिर जाएंगी। और इस प्लांट की एक क्वालिटी ये भी होती है कि इसकी जो स्टेम्स होती हैं, ये महोगनी कलर की होती हैं, आप देख रहे हैं। और जो लीव्स होती हैं, उनकी खासियत ये रहती है कि साइड में दोनों क्रीमी वाइट कलर की होती है, और बीच में जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की लाइन होती है, जो धीरे धीरे करके जैसे ही लीव बड़ी होती है, वो बड़ी हो जाती है। इसमें आप देखेंगे पुरानी लीव्स में, ये देखिए। और जो एजेस होती हैं लीव्स की, वो पिंक कलर की होती हैं। ये इसकी ब्यूटी होती है। साथ ही जब इसका सीज़न आता है, उस दौरान जो है, इसके टिप पे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली इस प्लांट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी पॉटिंग सॉइल कैसे बनाना। इसके पहले जब मैंने पॉटिंग सॉइल बनाई थी, तो मैंने जो सिंपल गार्डन सॉइल होती है उसमें मैंने लगाया था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जेड प्लांट, मैंने बिल्कुल सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें मैंने लगाया था, और इसी में मैंने लगा दिया था, तो ये प्लांट मेरा गल के मर गया था। इस बार मैंने क्या किया, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसमें 4 हिस्सा कोकोपीट लिया है, और 1 हिस्सा मैंने इसमें गार्डन सॉइल लिया, इस तरीके की गार्डन सॉइल ली है जिसमें पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए, और इसे बिल्कुल इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक सकलेंट प्लांट की तरह होती है। आपको तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। देखिए, पूरी तरीके से ड्राई, और मैंने अभी इसमें पानी नहीं दिया, फिर भी ये प्लांट हेल्दी है। और जब आप इसे इंडोर ग्रो करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। आउटडोर यदि आप ग्रो करते हैं तो इसे आप वरांडा या बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पर भरपूर इनडायरेक्ट लाइट, सूर्य का प्रकाश यदि आप उसमें रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे करके जल जाएंगी।
और जब भी आपको कटिंग लगाना, देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है और इसमें हल्की सी नमी है, ये देख रहे होंगे आप, इसकी मिट्टी नम है। तो कटिंग आप ऊपर से थोड़ी सी, एक इतनी लंबी आप 5 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए और उसे एक ऐसी पॉटिंग सॉइल में लगाइए जिसमें आपको ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। और इसमें जब आप इसे लगाते हैं तो एक बार आपको पानी डाल के, तब तक पानी नहीं डालना है जब तक दोबारा से ऊपर मिट्टी पूरी ड्राई ना हो जाए, और इसे एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे बहुत थोड़ी सी रोशनी आती हो। ज़्यादा रोशनी में आप रखेंगे तो ये प्लांट जो है इसकी कटिंग गल जाएगी धीरे धीरे। इसमें वैसे किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं लगता, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार के कीड़े हैं या चींटियां चल रही हैं या एफिड्स वगैरह का इन्फेस्टेशन हो रहा है, वैसे ये हार्डी प्लांट्स हैं, इनमें नहीं होता। और एक चीज़ इसकी, जब आप इसे परचेज करने जाए तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पत्तियां, ये देखिए क्लस्टर जैसे उगती हैं यहाँ पर, जितने भी आप इसमें लीव्स देख रहे होंगे ये सारे फूल की जैसे हैं, और ये सारी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो एक पर्टिकुलर ब्रांच के शेप में ये ग्रो होती जाती हैं, फूल के तरह ये पत्तियाँ होती हैं इसकी। और इससे आप पहचान सकते हैं कि क्या है ये, जेड प्लांट है या फिर पॉटुला का आफरा। तो फ्रेंड्स, जब कीड़े मकोड़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करना है तो एंटी फंगल पाउडर आप डाल दीजिए। यदि ऐसा लगता है कि पत्तियाँ येलो हो रही हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गिरा रही हैं, तो एंटी फंगल पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके उसे आप डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। और बारिश का मौसम है तो वैसे ही ये वातावरण से नमी ले लेगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और हमें इसको सिर्फ बचा कर रखना है। इसका जब सीज़न आता है तो ये खुद ब खुद ग्रोथ दिखाने लगते हैं कि अब इनका सीज़न आ गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये बेस्ट समर प्लांट हैं या विंटर प्लांट्स हैं। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे नर्सरी से इसे ला के करीबन एक महीने हो गए हैं और मैंने जब इसे रिपोर्ट किया तो ये जो न्यू ब्रांचेज आप देख रहे हैं ये सारी ग्रो होने लग गई, दैट मीन्स ये अभी इसका सीज़न आ गया, ये ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं, हर महीने आप डाल सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जब ड्राई फॉर्म में मन्योर देना है तो कम से कम साल में 3 या 4 बार आप थोड़ी सी मिट्टी यहाँ की हटाकर, थोड़ी सी गुड़ाई करके, 1 या 2 मिट्टी जितनी भी आती है आपके इसमें स्पॉट में, आप इसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे लिख भेजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।